हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का आइडियम्स एंड फ्रेज का 9th लेक्चर होगा। 8 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, जो अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग पहले देख ले वो आइडियम्स एंड फ्रेज का लेक्चर। आपको यहाँ पे आई का एक साइन होगा, यहाँ पे आई का एक साइन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा आइडियम्स एंड फ्रेज का लेक्चर आ जाएगा। बाकी और प्ले लिस्ट भी यहाँ पे मैथ्स की है, वोकैब की प्ले लिस्ट है, एवरेज और ट्रिगोनोमेट्री जो कि हो चुकी है, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी आई दबाने पर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले। तो चलिए आज हम लोग 120 हम लोग के हो चुके हैं आइडियम्स एंड फ्रेज। और जो लोग को सोर्स नहीं पता है इनका, जो मैं कहाँ से कवर कर रहा हूँ उनको मैं बता दूँ कि ये एसपी बख्शी और केडी कैंपस की बुक जो आती है प्लेन टू पैरामाउंट, उससे मैं अभी कवर कर रहा हूँ। पहले 500-600 इससे कवर हो जाएंगे और उसके बाद प्रीवियस और जो भी इंपॉर्टेंट होगी एरियंथ की एडियम्स एंड फ्रेज बुक से मैं कवर करूँगा। तो टारगेट हमारा अप्रॉक्स 1000 का रहेगा। तो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का। फर्स्ट है डैम्प स्क्यूब, इसका मतलब होता है कम्प्लीट फेल्योर। और कंप्लीट फेल्योर मीन्स आपको स्टार्टिंग में तो लगता है कि वो फेल नहीं करेगा, अच्छा रहेगा, बट वो फेल्योर हो जाता है। तो कंप्लीट फेल्योर थ्रो अर्लियर थॉट टू बी एक्साइटिंग, थ्रो नहीं डॉ है, अर्लियर थॉट टू बी एक्साइटिंग मतलब पूर्ण असफलता जो लगता था उत्तेजनात्मक होगा। जैसे कल ऑस्ट्रेलिया टीम हारी है तो द परफॉर्मेंस ऑफ टीम ऑस्ट्रेलिया टर्नड आउट टू बी ए डैम्प स्क्यूब। स्टार्टिंग में तो लगा था हार जाएगी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, 87/5 था इंडिया का, बट इंडिया ने कम बैक किया और जीत किया, तो उसका एग्जाम्पल मैंने लिया। फिर है डांस अटेंडेंस अपॉन टू बी इन सर्वाइल एटीट्यूड ऑल द टाइम, चापलूसी करना, हाजिरी बजाना। तो ऐसे भी आप सुनते होंगे कि वो उसके इशारे पे डांस करता है, तो उसी पे है डांस अटेंडेंस अपॉन, उसे आप रिलेट कीजिए। तो द मदर इन लॉ वॉन्टेड द लेडी टू डांस अटेंडेंस अपॉन हर, कोई भी सासू चाहती है कि उसकी बहू उसके इशारे पे नाचे, जो वो बोले वही करे। नेक्स्ट है डेयर डेविल, डेयर डेविल होता है फियरलेस पर्सन, बहादुर व्यक्ति। याद करने के लिए आप कर सकते हैं डेयर डेविल्स, आईपीएल में जो दिल्ली की टीम है उसका नाम है दिल्ली डेयर डेविल्स, मतलब फियरलेस टीम। एग्जांपल वन लिए डेयर डेविल कैन फेस द लैंड माफिया, लैंड माफिया को एक बहादुर व्यक्ति ही सामना कर सकता है। फिर है डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, अप्रत्याशित विजेता। एन अननोन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट केम आउट एज ए डार्क हॉर्स आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन में तो इंडिया मेजर पार्टी तो ही है बीजेपी कांग्रेस, थोड़ा बहुत आप भी आजकल आने लगा है लाइफ में, तो अब कोई इलेक्शन होगा तो मेनली तो सबका यही रहेगा कि इसी तीनों में से कोई पार्टी में से कोई एक कैंडिडेट जीतेगा, बट कोई निर्दलीय पार्टी इंडिपेंडेंट से जीत जाता है तो एक हो गया अनएक्सपेक्टेड विनर हो गया वो। नेक्स्ट है डेज ऑफ रेकनिंग, डेज ऑफ रेकनिंग होता है कि आप पास्ट में कोई गलती किए हैं उसका परिणाम आज आपको मिल रहा है। ए टाइम व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ वंस पास्ट मिस्टेक्स और मिसडीड कैच अप विद वन, मीन्स जब भूतकाल में की गई गलतियों का असर दिखने लगे प्रेजेंट में। तो एग्जांपल जो है उसका, यू हैव बीन मैनिपुलेटिंग द अकाउंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, नॉट डेज ऑफ रेकनिंग हैव कम। नोटबंदी सब में पहले, उससे पहले लोग बहुत अपने अकाउंट का और उस दौरान भी अपने अकाउंट से खूब मतलब मैनिपुलेट किए, पैसा का इधर उधर किए, लेकिन अब सबको CBI छापा, IT का छापा, ED का छापा से सबको गलतियों का पर्दाफाश हो रहा है, तो उसी पे है। फिर है डेड ब्रोक, डेड ब्रोक होता है पेनीलेस, पेनीलेस मतलब दिवालिया, ये वर्ड भी आप याद रख ले, पेनीलेस मतलब होता है दिवालिया, डेड ब्रोक। तो ड्यू टू रिसेशन ही हैज बिकम ए डेड ब्रोक, मंदी के कारण वो दिवालिया हो गया। याद रखने के लिए कर सकते हैं डेड मरा हुआ, ब्रोक टूटना मतलब एकदम टूट के मर गया, क्या हो गया, दिवालिया हो गया, पैसा वैसा कुछ नहीं है। फिर है डाई हार्ड, डाई हार्ड मतलब होता है कि किसी के मन में उसके लिए पूरा मतलब जो दृढ़ता टाइप का जो अब चेंज नहीं हो सकता है उसे बोलते हैं डाई हार्ड। ऑब्स्टिनेटली रेजिस्टेंट टू चेंज, ऑब्स्टिनेट मतलब होता है कि अब चेंज नहीं हो सकता है, मतलब एक 100% टाइप का जो बात होता है वो होता है ऑब्स्टिनेटली, परिवर्तन के खिलाफ दृढ़ता से होना डाई हार्ड। तो ही इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ विराट कोहली, वह विराट कोहली का डाई हार्ड फैन है। फिर है डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस होता है कि डाई वाइल वर्किंग, मतलब आप किसी पद पे हैं और आप पद पे रहते हुए आपकी मौत हो जाती है, तो ये होता है डाई इन हार्नेस, काम के दौरान मर जाना। तो एग्जांपल जो मैंने लिया है, आवर एक्स प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन डाइड इन हार्नेस, 1969 में वो प्रेसिडेंट थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो फिर है डिग वंस ऑन ग्रेव, टू डू समथिंग विच कॉजेज यू हार्म, ऐसा कर जो मुसीबत में डाल दे। तो बोला था ना अपने लिए कुआं खोद रहा है, अपने लिए कुआं खोदा तो उसमें खुद कुआं खोदोगे खुद ही गिरोगे, तो उसी पे डिग वंस ऑन ग्रेव, अपनी कब्र खोदना।
तो बाय टेकिंग साइट ऑफ द कल्प्रिट ही डग द ग्रेव ऑफ हिज रेप्यूटेशन। कल्प्रिट का जो दोषी होता है, कल्प्रिट मतलब दोषी, दोषी का साथ देने पे, साथ लेने पे क्या होगा, खुद का ही रेप्यूटेशन खराब होगा। फिर है डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ आपको देख के ही लग जाए, लग रहा होगा कि मतलब होता है बहुत ही खराब टाइप का लाइफ, वेरी मिजरेबल लाइफ, कष्टदायक जीवन। तो वही है, ड्यू टू अनचेक इन्फ्लेशन द पुअर आर लिविंग ए डॉग्स लाइफ। महंगाई इतनी है कि गरीब लोग बहुत ही कष्टदायक जीवन जी रहे हैं। फिर है डॉग इन मंजर, मतलब ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम इंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। दूसरों को कष्ट देने वाला डॉग इन द मंजर। बाय डिसरप्टिंग पार्लियामेंट सेशन द कांग्रेस इज फॉलोइंग ए डॉग इन द मंजर पॉलिसी। यहाँ इज होगा, कांग्रेस इज फॉलोइंग ए डॉग इन द मंजर पॉलिसी। पार्लियामेंट का सेशन चलता है, उसको डिस्टर्ब करके कांग्रेस का जो ये पॉलिसी है दूसरों को कष्ट देने वाला है, जनता का, आम आदमी इससे प्रॉब्लम, आम आदमी को इससे प्रॉब्लम होता है क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट होता है उस पर पार्लियामेंट सेशन पे, और कांग्रेस उसको डिस्टर्ब करती है, दूसरों को कष्ट देती है। फिर है डबल डीलिंग। आप लोग अपने बात करते हैं कि बहुत बड़ा डीलर है, डीलिंग देता है, मतलब फेंकता है, उस टाइप का डबल डीलिंग, धोखेबाजी सब टाइप का, डिसीटफुल एक्शंस, धोखेबाजी के कार्य। तो डबल डीलिंग ऑफ द लॉयर वाज एक्सपोज्ड बाय स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा उस लॉयर का धोखेबाजी का एक्सपोज हो गया। फिर है डबल एज स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड मतलब दोधारी तलवार, उसका मतलब यही हुआ डबल एज स्वॉर्ड। एक्ट दैट विल हार्म वन सेल्फ एज वेल एज दी अदर्स। खुद को भी हार्म करे और दूसरों को भी, ऐसा कर दूसरों को और स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सके। तो करप्शन इज ए डबल एज स्वॉर्ड फॉर द पब्लिक एज वेल एज दी गवर्नमेंट। तो करप्शन, भ्रष्टाचार जो है वो जनता को भी उसे परेशानी है, डबल एज स्वॉर्ड, और नुकसान पहुंचती है और गवर्नमेंट को भी पहुंचती है। फिर है डाउन एंड आउट, लैकिंग फंड्स रिसोर्सेज और प्रोस्पेक्ट्स, धन संपदा इत्यादि की कमी होना। तो ही वॉज डाउन एंड आउट व्हेन हिज फैक्ट्री वॉज बर्न टू द ग्राउंड। जब उसका फैक्ट्री जला दिया गया तो उसके पास धन संपदा काफ़ी कमी हो गई। डाउन एंड आउट, डाउन इन द माउथ, इसके बाद नेक्स्ट है डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का आप रेट कर सकते हैं, मुंह लटका हुआ है, डाउन नीचे, माउथ मुंह, मुंह लटका हुआ, मुंह नीचे जब मतलब उदास है, निराश है। तो फिल्ड विद मेलेंकोली एंड डिस्पोंडेंसी, मेलेंकोली मतलब होता है उदासी, ये पूछा भी जा चुका है, एंड डिस्पोंडेंसी मतलब होता है वही मायूसी, उदास टाइप का, तो दुख एवं निराशा से भरा होना। तो नाउडेज ही इज डाउन इन द माउथ बिकॉज ही हैज सफर्ड हैवी लॉस इन बिजनेस। बिजनेस में उसे बहुत लॉस हुआ, जिसके बाद दुख एवं निराश से भरा है आजकल वो। तो ओके फ्रेंड्स, ये आज का हमारा 9th हो गया, और मैं एक्चुअली ये जो मेरा टारगेट है 10 अक्टूबर तक मैं पूरा लेक्चर, जितना मतलब सिलेबस कवर हो सके, जितना मैंने आपको बताया है कि मैं इतना करूँगा, वो मैं मेरा जो टारगेट है वो 10 अक्टूबर तक मैं पूरा कर दूंगा। तो लेक्चर कभी 4-5 भी आपको पर डे मिल जाएगा, कभी 1-2 भी मिल जाएगा, तो 10 अक्टूबर तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस हिसाब से आप पढ़ते रहिए, नहीं कि मैं 5 लेक्चर अपलोड किया आपको 5 ही देखना है, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आप एक प्लान कर ले, 2 घंटे 2.5 घंटे आपको कब वीडियो देखना है, आप उस टाइम पे देखें और अपना पढ़ाई भी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी अगर नहीं करेंगे तो ये सब देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैथ्स, मेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्री और एवरेज खत्म हो चुका है, और एक लेक्चर मैं लूँगा जिसमें पूरा हाइट एंड डिस्टेंस हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूँगा। पहले मेरा प्लान है कि एडवांस मैथ खत्म कर दूँ, क्योंकि बच्चों को उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, तो एडवांस खत्म हो जाएगा फिर अर्थमेटिक होगा। तो कभी कभी मैं पर डे मैथ्स का वीडियो मिलेगा, और जो वीडियो मिलेगा उस दिन, जिस दिन वो उस दिन उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आराम से आप लोग पढ़ें, और कमेंट में ये ना मतलब करें कि कब ख़त्म होगा सिलेबस ये वो, मुझे पता है मुझे कब ख़त्म करना है, आप उसका टेंशन नहीं ले, आप आराम से मस्ती से पढ़े। ओके फ्रेंड्स, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा वीडियो लगता है, क्या इंप्रूव करने की और ज़रूरत है, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो की PDF मैं सारे उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें बुक लिस्ट भी दिया हुआ है जो मैंने खुद फॉलो किया था, और आप लोगों को जिससे मैं रिसोर्स से बताता हूँ, तो बुक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं अमेजन के लिंक से, और सारा प्लेलिस्ट भी उसमें लिंक में दिया हुआ है, तो उस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक आई बटन में भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप आई पे क्लिक करेंगे तो
वहाँ से आपको प्लेलिस्ट में हम डायरेक्ट वहाँ जा सकेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। ओके, थैंक यू।